गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग सब। तो आज तो बारिश नहीं है, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश था, सुबह शाम, और आज बारिश नहीं है। तो आज मैंने सोचा चलो आज मेरा ऐसे भी कहीं जाना तो नहीं है, तो चलो एक वीडियो शूट कर लेते हैं। ऐसे टाइम नहीं मिलता है, बारिश की वजह से जाना भी कहाँ, रूम से बाहर निकलना मुश्किल, और सुबह और शाम बारिश है। यहाँ पे फेसबुक देख रहा था, उस टाइम मैंने जब स्क्रॉल कर रहा था तो एक वीडियो आया था आसाम का, पता नहीं कौन सा, डीमापुर ना कहीं ऐसे जगह, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसे जगह में जो वहाँ पे जो फ्लड हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जो बाढ़ वहाँ पे आए हुए है, कुछ ट्रेन को, रेलवे स्टेशन में इतना पानी आ गया है, ताकि ट्रेन को जितना डब्बा है सभी पूरा पलटी खाए हुए है, और जो इंजन होता है इंजन का ऊपर तक में पानी चला गया है। ऐसा वीडियो आया था, मैं सोचा थोड़ा वीडियो क्लिप आप लोगों को भी दिखाऊं, फिर सोचा नहीं, वो तो एक न्यूज का है, फिर कॉपीराइट, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रेट मार देगा बोल के मैंने उसका वीडियो मैंने नहीं लिया है। अभी 3-4 साल से देखने के लिए मिल रहा है केरला में कि कहीं ना कहीं फ्लड हो ही जाता है, पर इस बार ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत लोग अभी डरे हुए हैं। बारिश का सीजन आ गया, कहीं ना कहीं फिर फ्लड हो जाएगा, इसी वजह से सभी लोग केरल में 3-4 साल से अभी देखने को ऐसे ही मिल रहे थे, सभी लोग डरे जो है ना। हम लोग का पता नहीं कल शायद क्लीन किया हुआ है, तो छत थोड़ा क्लीन दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा क्लीन करके रखा है। और ये डिश है, ये तो चलता नहीं है, अभी इसको ऐसे छोड़ दिया। और ये जो दो टैंक है, ये टैंक का पानी हम लोग यूज़ करते हैं नहाने में, टैंक को देखते हैं इसमें कैसा है, क्लीन नहीं है गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत कचरा, मैंने गंदा दिखाई दे रहा है, पूरा लाल हो गया है इसका कपड़ा, पूरा इतना सा डाला हुआ है जैसे कि लगाने के लिए, कपड़ा लगाने के लिए कहीं अभी चांस ही नहीं, दोनों तरफ से देखो अब कहाँ सूखा है, अभी बारिश का सीजन में लगाया हुआ है इस तरह से। सो ये देखो गाइस, अभी मेरा देखो ये कावासेकी का हैंडल पूरा चला गया है, ठीक है, ये यहाँ पे पूरा ख़त्म ही हो गया, ये तो ख़त्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ से इसको नट खोल दिया है, और वो होंडा ऐसे पड़ा हुआ था वहाँ पे, उसका डालेंगे अभी। इसमें मुझे हेल्प कर रहा है रमेश भाई, क्योंकि अभी मुझे चर्च जाना है, इसके लिए मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए मैं रमेश भाई को बोला थोड़ा हेल्प करो, सारा इंतजाम मेरे पास है, यहाँ देखो सारे रेंच वगैरह है, बस इसको होंडा का खोलना है, सारे रेंच वगैरह यहाँ से नट खुल गया है, इसका भी निकल दिया है हैंडल, बस इसको यहाँ से निकालना है और वहाँ फिटिंग करना है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें ही, तो आप लोग बने रहना वीडियो में, मज़ा आएगा आप लोग। तो गाइस फाइनली अभी जो हमारा कावासिकी का जो ये रेडी हो रहा है उसमें से निकाल लिया है, और देखो अभी पूरा वो धुंधला हो गया है, ये हम लोग का ये निकालने में थोड़ा ब्रिक का निकालने में तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि इस तरह के स्क्रू नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है, बारिश भी स्टार्ट हो गया, देखो चालू हो गया बारिश, इतना मुश्किल से हम लोग को लगाने पड़ रहा है, ये तकलीफ़ है, भाई थोड़ा मेहनत कर रहा है। सो गाइस, मेरा साइकिल नहीं बन पाया, क्योंकि ब्रिक को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, मेरे पास तो रेंच था लेकिन स्क्रू ड्राइवर नहीं था, इसी वजह से मैं नहीं खोल पाया और नहीं बन पाया, और साइकिल भी क्या करेंगे, आज पैदल आया था चर्च, बारिश था आने का टाइम में, अभी तो नहीं है, चर्च भी मैं आधा करके जा रहा हूँ, क्योंकि ड्यूटी भी है, सोना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल गया चर्च से, साइकिल नहीं बन पाया, देखते हैं नेक्स्ट टाइम, अभी कहीं से मैं ढूंढ के लाऊँगा स्क्रू ड्राइवर और साइकिल को बनाऊँगा। चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा सपोर्ट किया करो, बेल आइकन को दबा, थोड़ा शेयर किया करो, अब मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट लग जाए।